अब मैं बुझौत वालों को ये बताऊंगा कि इस तारा तारुण जो है वो उसका हबूद जो है वो उनको किस तरह से जो है वो इफेक्ट कर रहा है, और इसके अलावा जो सितारा जोहरा है उसका वबाल उन पे क्या असर मुरतब करेगा, ये दोनों हम आपको बुझौत वालों को बताने लगे। सितारा तारद बुझौत वालों के चौथे और सातवें अहम तरीन जायचे के अहम तरीन पार्ट्स का लॉर्ड है, और उससे भी अहम बात यह है कि ये आपके फर्स्ट हाउस में यानी उससे भी अहम जगह पे ये मौजूद है। ताले में सितारा तारद का जो हबूत है ये आपकी शख्सियत को डैमेज कर सकता है, और ऐसे वक्त में इस आपको और भी एहतियात करनी पड़ेगी जब आपका अपना सितारा मुश्तरी जो है वो रिजत में है 6 फरवरी से, तो आपको इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। आप ऑलरेडी जहनी दबाव का शिकार हैं, ऊपर से सितारा तारा तो यहाँ पे आ गए तो आपके साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है। 26 फरवरी से सितारा तारा तो यहाँ पे आ चुका है और 14 मार्च तक यहाँ पे रहेगा। ये आपसे तहरीरी तकरीरी गलतियां करवाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो मुतनाज़ा बना सकता है, आपको गुफ्तगू में बहुत एहतियात करनी है, बहुत ही एहतियात करनी है, किसी के बारे में भी जल्दबाजी में राय कायम मत करें, ओवर कॉन्फिडेंट होने से गुरेज कीजिए, और हद दर्जा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके खानगी मामला जो हैं वो उसमें आप कमेंट्स करने से गुरेज करें, उसमें किसी के अहम फैसलों से गुरेज करें, जगह की तब्दीली प्रॉपर्टी के लेन देन से आपको गुरेज करना होगा। आप जहां भी रह रहे हैं उस हवाले से आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, तो बेहतर ये होगा कि आप इस दौरान जो है वो एहतियात कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा सितारा तारुक जो है वो आपके सातवें घर का भी हाकिम है, तो इस तरह ही आपके शादी अजवाजी मामलात को डिस्टर्ब करेगा, स्पेशली वो लोग जो के शाकदारी में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत ही एहतियात के साथ जो है वो मामलात को लेकर चलना पड़ेगा। फैमिली की जानिब से आपके पार्टनर की जानिब से आपके ऊपर कुछ ब्लेम्स लग सकते हैं, इनको आपको बड़े ऐसे तरीके से टैकल करना होगा। ये पोजीशन जो है वो 14 मार्च तक चलेगी, इससे बचाव के लिए सबसे बेहतर ये है कि हर बुध को आप 500 ग्राम जो है वो मूंग साबुत का सदका दीजिए, ये बहुत अहम है। हर बुध को 500 ग्राम मूंग साबुत का सदका दीजिए। अतारत का हबूत जितना आपको मुतासर कर रहा है इतना किसी और को मुतासर नहीं करेगा। दूसरा जो अहम चीज है वो सितारा जोरा का बवाल है। सितारा जोरा जो है ये आपके तीसरे समाजी तल्लुकात बहन भाई अजीज कारोबार नजदीकी सफर का हाकिम है, और आठवें आपके शराती माली और रास्ते मामला का हाकिम सितारा जो कि आपके खाना माल में है। आपको अपने बहन भाई और अजीज कारोबार के हवाले से कुछ इजाफी अखराजात का जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। माली लेन देन से अजीज कारोबार से इस ड्यूरेशन में गुरेज करना होगा। इसकी ड्यूरेशन जो वो 6 जून तक है, 6 जून तक बहुत बेहतर होगा। आप अपने माली मामलों को बैलेंस करें और इजाफी खर्चात को कंट्रोल कीजिए। किसी भी अजीज़ो कारब के साथ लेन देन से अगर आप ग्रेज करें, स्पेशली क्रेडिट क्रेडिट ना दीजिए ना लीजिए, तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। शाक्ति माली मामला के हवाले से आपको खसारे का सामना करना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म की कोई प्लानिंग मत कीजिए, जो पहले से सिस्टम चल रहे हैं उसको बचाने के लिए सदके की तरफ जाइए, वित्त वज़ाइफ की तरफ जाइए। इस चीज से बचने के लिए आपको सबसे जो बेहतर हल है वो ये है सदका। हर जुमा 6 किलो चीनी का सदका दीजिए, ठीक है। अगर आप 6 किलो अफोर्ड नहीं करते तो कम से कम 600 ग्राम का सदका दीजिए, या किसी भी सफेद चीज का सदका दीजिए। इस हवाले से आपके लिए स्पेशली मैं एक विर्द जो है वो बताने लगा हूं। आप रोजाना 94 टाइम या अजीजों का अगर विर्द करें तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा इस दौरानिए के लिए। और सदके की जो तरफ आपको खास तवज्जो करनी होगी, अतारत से बचाव के लिए सदका मैंने आपको बता दूं, आधा किलो मूंग साबत जो है वो हर बुध को सदका दीजिए, और जोरा से बचाव के लिए 600 ग्राम या 6 किलो चीनी हर जुमा आप सदका दीजिए।